जाहिर सी बात है क्योंकि हम क्षेत्र में थे, अपने विधानसभा क्षेत्र में। और पहली चीज तो ये कि पिताजी मेरे लिए पार्टी भी हैं और मेरे लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और दूसरी चीज ये कि आपके चैनल के माध्यम से जो अभी सुनने को मिल रहा है कि माननीय मौर्य जी बेटे और बेटी के लिए टिकट की मांग के लिए पार्टी छोड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ा हूं तो ना मैं टिकट मांगा हूं, ना माननीय पिताजी ने कभी मांग की है। 2017 का भी चुनाव लड़ा तो ना मैं कभी टिकट मांगा, ना माननीय पिताजी ने मांगा। पार्टी ने हमेशा हम लोगों को टिकट दिया है, ना कि हम लोगों ने मांगा है। और आज भी रही बात टिकट की, तो पिताजी के नेतृत्व में अगर मुझको पार्टी में सेवा करने का अवसर मिलेगा तो मैं पार्टी में सेवा करूंगा, और अगर पार्टी के नेतृत्व में अगर मुझको पब्लिक के बीच में सेवा करने का मौका मिलेगा तो पब्लिक के बीच में सेवा करूंगा। आप उनके साथ लगातार हमने देखा कि सार्वजनिक मंचों पे आप अपने क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आप काम करते रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि वो बीजेपी से खुश नहीं है, वहां पर काम नहीं करने का उनको मौका मिल पा रहा है? उन्होंने कहा कि वो गरीबों पिछड़ों के लिए काम करना चाह रहे थे, वो मौका उनको बीजेपी में नहीं मिल पा रहा है। जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर आप ये जनसैलाब देख रहे होंगे, एक केवल बेटे के लिए नहीं, ये पूरा एक संगठन है। और लगातार पार्टी के विधायक और माननीय मंत्रीगणों का इस्तीफा आने लगा है, आप लोगों के माध्यम से मैं भी देख रहा हूँ। अभी एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, आपके चैनल के माध्यम से अभी 2-3 दिन में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अच्छा, आपकी राजनीतिक इच्छा क्या, इस बार भी आप चाह रहे हैं कि आपको मौका मिले, अगर मिलेगा तो आप चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पिताजी के नेतृत्व में काम करना चाहता हूं। अगर पार्टी में काम करने का अवसर मिला तो मैं पार्टी में काम करूंगा, और अगर पार्टी चाहेगी कि मैं क्या इस्तीफे से पहले जाकर उनके आपको बताया था का काम करूं तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। ये भी सवाल उठ रहा है कि आपको चाहते हैं कि आप विधायक बने, आपको चुनाव में उतारा जाए, बीजेपी में बात हो नहीं पा रही थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं ऊंचा हार में, आप आज भी उठा के देख लीजिए तो मेरे सिवा वहाँ कोई विकल्प नहीं था बीजेपी के पास। आज मनोज पांडे विधायक है समाजवादी पार्टी से, सपा में ही जाने की बात चल रही है, वो अलग कभी से है, कहाँ पे कौन है कहाँ पे नहीं है वो पिताजी और पार्टी तय करती है, मैं कोई तय करने वाला नेता नहीं। मतलब अगर मौका मिला तो आप चुनाव लड़ेंगे, ये कंफर्म है? ये पार्टी के ऊपर निर्भर होता है। तो देखिए कृष्ण मौर्य अपने तमाम समर्थकों के साथ आए थे, और एक बड़ी बज ये भी रही है कि इनके लिए ही बीजेपी में वो चाह रहे थे कि एक अच्छा स्पेस बने, एक अच्छी जगह बने, ताकि इनको भी टिकट दिला जा सके। हालांकि बीजेपी में बहुत बहुत संघर्षों के बाद टिकट मिलता है, शायद एक बड़ी वजह थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से अलग हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए आपका। अभिषेक ने कई अहम बातें बताई। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के एक सफल